बच्चा लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से अक्सर नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर, आपके जेई मेंस के अंदर सवाल आ जाता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसका वेवलेंथ सबसे कम है, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक जबरदस्त सॉन्ग के थ्रू मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो रेडियो डालो माइक्रोवेव में लाल होगा, दिखाई देगा, दिखाई देगा मतलब कि बच्चों विजिबल, राइट। रेडियो डालो माइक्रोवेव में लाल होगा, दिखाई देगा, फिर युवराज सिंह छह छक्कों के बाद शॉर्ट फॉर्म में उन्हें यूवी कहते हैं, यूवी आएंगे, उनका एक्सरे होगा, अगर एक्सरे होगा तो वो अपना क्या करेंगे बच्चा, गम भूल जाएंगे, गम से याद रखिए गामा, दिस इज डन। क्या है बच्चों, रेडियो डालो माइक्रोवेव में लाल होगा, दिखाई देगा, यूवी आएंगे, एक्सरे होगा, गम भूल जाएंगे। अभी आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, एक्सरे की तरफ जा रहे हैं, एक्सरे बहुत ताकतवर चीज होती है, तभी तो आपके हड्डियों का पिक्चर वो आसानी से दे देता है, राइट। तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चा लोग, इसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चा लोग, रेडियो वेव की। नाउ यू नो द फॉर्मुला, एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी फॉर कैट मतलब बिल्ली, लेकिन यहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो का तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। दिस इज डन बच्चा लोग, मजा आया तो प्लीज कमेंट करना, और ऐसे और भी इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स आपकी नीट के लिए जाएंगे बाबा से लेकर के आते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।